अस्सलाम वालेकुम, आई मोहम्मद अली आगा विद फिजान सलीम एंड टुडे वी ब्रिंग यू अ वेरी रेयर एंड स्पेशल कार। कार जी टोयोटा की है और नाम है इसका विश। विश जिस तरह बर्थडे विश करते हैं ना, उस विश की बात कर रहा हूँ, दूसरी विश नहीं। खैर ये है जी टोयोटा की विश। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी लुक्स की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे इसका लोगो दिया गया है, क्रोम के अंदर ट्रिम दी गई है, बम्पर आप देख लें बम्पर सेम बॉडी कलर में है और नीचे कुछ भी नहीं है। और अपर साइड पे अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे HID दी गई है, हैलोजन लैंप दिए गए हैं, इंडिकेटर में भी हैलोजन लैंप का यूज किया गया है। एक इसकी एक और खासियत है वो ये है कि 7 सीटर कार है और इसके अंदर अलॉय रिम भी अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलॉय रिम खूबसूरत से आपको स्ट्रेट डिजाइन में आपको अवेल कर दिए गए हैं। ग्राउंड क्लियरेंस भी आप यहाँ देख सकते हैं इसकी तकरीबन 160 mm इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। इसके जो साइड मिरर है वो ऑटोमेटिक है। सेम बॉडी कलर में इसके डोर हैंडल दिए गए हैं और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो बैक विंडोज हैं ये काफी ज्यादा लेंथी है। लेंथी इसीलिए है क्योंकि ये भी दो अंदर कंपार्टमेंट में डिवाइडेड है पैसेंजर्स के लिए। वो किस तरह है वो भी आपको फर्दर अंदर चल के बताता हूँ। इसके अलावा आप यहाँ पे इसके टेल लैम्प देख सकते हैं, टेल लैम्प में आपको LED मिलता है, इंडिकेटर में आपको हैलोजन लैम्प मिलता है और विश यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको क्रोम के अंदर द नेम भी मेंशन मिलता है। और कार अवेलेबल किन के पास है, आप जान मोटर्स के पास ही, इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, वो इन्फॉर्मेशन जो हमसे रह जाए आप इजीली इनसे अवेल कर सकते हैं कॉल करके। अपर साइड में अगर आप दिखा सकें तो बड़ी क्रिस्टल लुक की इसकी बैक ब्रेक लैम्प दी गई है और अपर साइड पे यहाँ पे आपको जो है शॉर्ट पोल एंटीना भी मिलता है। बूट स्पेस की हम बात कर लें अगर, तो बूट स्पेस शुरू होते साथ ही खत्म हो जाती है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह इसकी ये है बैक पैसेंजर्स वाली सीट। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये 7 सीटर है तो इसमें बैक साइड पे आपको इसको अगर बूट स्पेस चाहिए तो आपको ये बैक पैसेंजर्स वाली सीट्स को कुर्बान करना पड़ेगा। स्पॉइलर भी बड़ा खूबसूरत लगता है इसका। तो इसकी अगर हम फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो वो आपको तकरीबन मिलेगा 60 लीटर में इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। अंदर बैठ के देखते हैं जी क्या क्या चीज़। कार के अंदर आप देख सकते हैं इसका स्टीयरिंग व्हील बड़ा ही बेसिक सा इसका स्टीयरिंग व्हील है, टोयोटा के लोगों के साथ ऐसा है, एयर बैग जिसके अंदर माउंटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके जो मिरर्स हैं उसकी सेटिंग आपको मिल जाती है, रिट्रैक्टेबल मिरर की सेटिंग जो कि इसके अलावा यहाँ पे एसी वेंट्स देख सकते हैं ग्लॉसी ब्लैक में। इसकी ओवरऑल जो फिनिशिंग की गई है वो है 180 का इसका मैक्सिमम स्पीड का मीटर है, फ्यूल गेज है, RPM है। इसके अलावा आफ्टर मार्केट यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक इक्लिप्स की जो है वो LED लगा के दी गई है और ये आपको पता है जैसे कि 1996 का मॉडल है ये और 2012 की इंपोर्ट है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, AC के यहाँ पे कंट्रोल्स हैं, ग्लव्स बॉक्स आपको दो दो उस टाइम पे भी दे दिए गए, ऐसे अपनी तरफ से उन्होंने लगता है रेंज रोवर बनाई है। और ग्लव्स बॉक्स में जो स्पेस है वो भी अच्छी खासी दे दी गई है। और इसी तरह मैं आपको बैक साइड पर लिए चलता हूँ, बैक साइड पर इसके पैसेंजर्स के लिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें इन्होंने दी हुई हैं। तो अगर आप आगे करके दिखा सकें तो बैक पैसेंजर जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3% बिठा सकते हैं तो 3, 2, 5 हो गए। और बैक साइड पे अगेन यहाँ पे आपको 50-50 का स्प्लिट मिलता है और आप अपने टोटल 7% की सीटिंग कैपेसिटी इस तरह बना सकते हैं। कुछ यहाँ पे आपको ये कुछ हैंगिंग का ऑप्शन मिलता है, अगेन 3 किलो तक का दही अगर आप लेने जा रहे हैं तो उसको हैंग कर सकते हैं इसके अंदर। और ये तकरीबन इस जो कार की कंडीशन है वो लंडा बाजार वाली है, जैसे कि जो लोग लंडा बाजार से कपड़े खरीदते हैं तो वैसी ही इस कार की भी ऑलमोस्ट कंडीशन है, लेकिन क्योंकि 1996 मॉडल की है तो उस हिसाब से फिर भी बहुत बेहतर कंडीशन में है। और कार अवेलेबल है हाफिज सजाद मोटर्स के पास। तो अब फर्दर जो है ना इसकी इंजन की क्या क्या डिटेल है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा जी, इस लंडा बाजार की इंजन की अगर हम बात करें तो जो इंजन इसका है वो आप बताएं कितना होगा, गेस करें। नहीं समझ आ रहा, 1800 cc में इसका इंजन है, चेक करें जरा। VVTi 16 वॉल्व वाला इंजन, जबरदस्त सा इंजन, 4 इनलाइन सिलेंडर के साथ 132 हॉर्स पावर तकरीबन ये जनरेट करता है। और जो है ना DOHC इसका वॉल मैकेनिज्म है, एक 171 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क भी जनरेट करता है जी ये वाला लंडा बाजार वाला इंजन। और इसके अलावा अब बात आ गई इसकी माइलेज की, तो माइलेज जो है 12 किलोमीटर पर लीटर ये दे रहा है और अगर आप हाईवे पर जा रहे हैं तो आपको 14 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज ये वाला इंजन आपको दे देगा। अगर आप अगेन इस कार को परचेज करने में इंटरेस्ट है या अगर आप कोई लो बजट की कार ढूंढ रहे हैं तो आपको बताने का मकसद, ये लंडा बाजार दिखाने का मकसद ये था कि आपको एक ऑप्शन भी अवेल हो जाए और आपको पता चल जाए कि मार्केट में कौन कौन सी गाड़ियां जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो ये कार अवेलेबल है अगेन हाफिज सजाद मोटर्स के पास। आपको ये अगर हमारा प्रिसाइज इस कार का रिव्यू पसंद आ गया तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें
बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट किसी और कार के बारे में भी आपको अपडेट मिल सके। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए मुझे फिजान सलीम को दे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज़।